तो ये हमारी कितनी बढ़िया प्याज की सूखी सब्जी बनके तैयार हुई है। तो इस रेसिपी के लिए हमने 3 बड़े साइज का प्याज लिया है और उसे एक प्याज को हमने 4 से 5 भागों में काट के उसे सारे लेयर्स को हमने अलग कर लिया है ताकि ये जो हमारी जो सब्जी बनेगी बहुत ही बढ़िया। और 2 से 3 हमने हरी मिर्च को 4 से 5 भागों में काटा है। और अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और थोड़ी सी पंचफोरन, आप चाहे तो पंचफोरन की जगह जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद हमारा पंचफोरन, अब हम इसमें प्याज डालेंगे और अच्छे से इसे मिलाएंगे ताकि ये हमारा जो है सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बने। तो इसी प्रकार से हम हल्के हाथों से इसे चलाएंगे। तो ये जो है हमारा प्याज अच्छे से रोस्ट हो गया है, ये देखिए। तो इसी प्रकार से आप धीरे धीरे से पकाएंगे इसे, फ्लेम को आप लो रखेंगे, लो टू मीडियम पे, ताकि ये अच्छे से पके, जल ना पाए। तब हम इसे कवर करके इसे, अब ध्यान से आप इसे 2 से 3 बार कवर करके इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और ये 10 से 12 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा ये प्याज अच्छे से ये पक गया है। तो ये देखिए, जब घर में कोई सब्जी ना हो तो इस प्रकार के आप रेसिपी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो कि इसे कूट के डाला है इसमें। अब अदरक इसमें ज़रूर डालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया बन के आए। तो अदरक को डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप हल्दी, धनिया और ये सब मसाले से भी आप बना सकते हैं। सारे मसालों को हमने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया था। तो ये देखिए हमारा ये मसाला अच्छे से मिल गया है। तो इसके बाद भी हम पकाएंगे बिल्कुल लो टू मीडियम पे। तो लास्ट में हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे। आपके घर में जब कोई सब्जी नहीं रहे तो फ्रेंड इस प्रकार से आप अपने घर पे ज़रूर बनाएं इस प्रकार की रेसिपी और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए हमारा प्याज की सूखी सब्जी फाइनली बन के तैयार है। हमने प्याज को ना ही ज़्यादा पकाया है ना ही ज़्यादा कच्चा रखा है, तो इस प्रकार का टेक्स्चर इसका रखा है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया प्याज का सूखी सब्जी बन के तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।